मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल बात सोचने के ऊपर। मैं हूं नयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात सोचने की। तो दोस्तों आज कमाल का एक वीडियो और फ्रेश नया वीडियोज लेकर के आ गया हूं और आज के वीडियो में मैं एक कंपेयर करने वाला हूं अनबॉक्सिंग के साथ। तो अनबॉक्सिंग कम होगा ज़्यादा कंपेयर होगा, तो इसी से रिगार्डिंग आज की वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मज़ा आने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो उसके लिए आप वीडियोज़ देखते हो, तो रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, क्या चीज़ें इसके अंदर हैं जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करूं। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटा भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट ये भी है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और लगता है कि शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के बीच जो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसे इस प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वहां से भी अगर चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरा वेबसाइट भी है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ना चाहते हो, कि टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हो या ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग आप कोई भी नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट BatSochneKi.com पर विजिट कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल सकता है। और इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और अदर है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें बात सोचने की नाम से ही फॉलो कर सकते हो वहां पे सर्च करके। तो चलिए अब बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है दो प्रोडक्ट, दो बॉक्स है यहाँ पे, इसमें प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग करके सामने अभी रखा है। ये दो प्रोडक्ट जहाँ पे देख रहे हैं दो अलग अलग प्रचार करने वाले इस प्रोडक्ट के हैं, एक है ब्लू कलर का, एक है हमारे पास ग्रीन कलर का। इसका डब्बा आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसका डब्बा छोटा दिख रहा होगा। तो मैं बता दूँ कि इसका जो बास है ना, जो साउंड बास होता है वो 100 है, इसका जो है ना 103 है। तो यही तो एक मेन फ़र्क है, बाकी अगर आप सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आप देख लेंगे तो आपको ग्रीन वाले के अंदर मिल गया था सुपर एक्स्ट्रा बास, वन बॉटम माइक्रोफोन, हैंड्स फ्री पिक अप एंड इंड, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके अंदर मिल जाता है हमें फेसबुक पे ये सॉरी पैकेज कंटेंट्स की अगर बात करें तो फ्री पाउच है, एक्स्ट्रा बार ईयरबड्स है, इन ईयर हेडफोन वाइब्रेट ग्रीन है, यानी कि मेरा ये ग्रीन कलर का बॉक्स था। दूसरा बॉक्स अगर हम बात करते हैं इसमें तो ब्लू कलर वाले में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सुपर एक्स्ट्रा बास मिल जाता है, एंगल्ड 3.5 mm जैक मिल जाता है, उसी के साथ इन लाइन माइक मिल जाता है, इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन कंट्रोल मिल जाता है। अब ये चीज़ें जो है ना, जो बेसिक चीज़ है जो इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो इसको जानने से भी अगर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक कह सकता हूँ मैं कि ये प्रोडक्ट ये वाले के मुकाबले में ये वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमें जो हेडफोन के जो दोनों कान में लगाते हैं उसमें मैग्नेट यूज़ किया गया है ताकि आप जब निकाल कर रखते हो तो मैग्नेट यूज़ कर सकते हो, बट ग्रीन वाले में हमें मैग्नेट नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉल रिसीव करने के लिए वगैरह जो हाथ में होता है उससे आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अब हम क्वालिटी की अगर हम बात कर लेते हैं दोनों के, तो रियली मैं बताऊं तो कंपेयर अगर मैं करता हूं तो इसका जो साउंड है ना वाकई जो है ना ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं लुक की, बात करते हैं तो लुक की अगर बात करूं तो इसके कंपेयर में इसका लुक अच्छा है। तो मैं बता रहा हूं कि मैंने इसको रखा और मैंने अपने हम सफ़र को ये वाला दे दिया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पहला परचेस था तो दो परचेस करना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता अगर मैं अपने लिए सेल फोन खरीद दूँ और उनके लिए ना खरीदूँ तो दिक्कत हो जाती है, तो ख़रीदना ही पड़ता है, चाहे वो थोड़ा सा कम बेची हो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, और अगर कहते हैं कि इसको जब मैं यूज़ करता हूँ तो जो साइड का साउंड होता है ना उसको थोड़ा सा इफेक्ट को कम कर देता है, जैसे आप जब भी सुनते हो तो आपके बाहर की चीज़ों की खबर नहीं होती। इसमें भी हालांकि उतनी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ ये में मज़ा है इसमें मज़ा नहीं है। बट अगर इन हैंड फीलिंग की बात करूँ, यूज़ में बताऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बट क्वालिटी के हिसाब से ये अच्छा लगता है। दोनों में से आप जो चाहो परचेस कर सकते हो। दाम की अगर बात करें तो सेम कीमत में मुझे पड़ा है, ये हमें भी 400 रुपये में पड़ा है और ये भी हमें 399 रुपये में पड़ा है, यानी कि 400 रुपये में पड़ा। ये है रिव्यू इस प्रोडक्ट के। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, रिव्यू अच्छा लग गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।